स्टूडेंट, जैसे कि हम लास्ट टू वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एसिड के होता है और बेस के होता है, ठीक है। आज का जो कंटेंट है छोटा कंटेंट है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, अक्सर एक दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है इन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। नाउ यू विल चेक टूडे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास इंडिकेटर्स, ठीक है। छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है और टॉपिक का नेम है हमारे पास इंडिकेटर। आप जरा समझिए, इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इंडिकेटर होता क्या है। देखो, हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में भी क्या होता है इंडिकेटर, ठीक है। मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, ठीक है। स्कूटर चलाते हो तुम, स्कूटी चलाते हो, कार चलाते हो, ठीक है। यहाँ तक कि ट्रक भी चलाते हैं लोग, ठीक है। तो क्या होता है उसमें इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेरे को लेफ्ट हैंड जाना है या राइट हैंड, ठीक है। सेम यहाँ पर भी यही, ये बंदा भी यही काम करेगा। ये बंदा नहीं होगा, ये होगा हमारा केमिकल्स, ठीक है। केमिस्ट्री लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल्स। तो ये केमिकल्स भी काम क्या करेगा, हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है, हमें ये बताएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है कि इंडिकेटर हमें बताता है केमिस्ट्री लैब में कि कौन सी चीज़ एसिड और कौन सी चीज़ बेस। जैसे हमने एक इंडिकेटर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जिसको हमने नाम दिया था लिटमस पेपर, ठीक है। अब नाउ यू विल चेक इंडिकेटर है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो यू राइट डाउन द डेफिनेशन, इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस which tells about which is acid, which tell about acidity बोल सकते हो तुम, acidity और alkalinity, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेस। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, is called indicator, is called indicators, ठीक है। अगर चेक कीजिए, देखो इंडिकेटर होता क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। कहीं भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं इंडस्ट्री वगैरह में, केमिस्ट्री लैब में लगा लो, ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस ना बोल के हम क्या बोलेंगे, केमिकल, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस विच टेल अबाउट द एसिडिटी, ठीक है, जो हमें किसके बारे में बताता है कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन सा केमिकल क्या है, एल्केलाइन, ठीक है। ये वर्ड यूज होगा यहाँ पे इंडिकेटर में, एल्केलाइन। देखो मैं इसको दोबारा से क्लियर कट करता हूँ कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई एल्केलाइन क्या होता है, एल्केलाइन, ठीक है, और बेस क्या होता है, ठीक है। देखो एल्केलाइन भी क्या होता है, बेस, ठीक है, और बेस तो बेस होगा ही, समझे। देखो एल्केलाइन भी होगा क्या, बेस, लेकिन ये वो बेस होंगे जो किसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर, ठीक है। ऐसे बेस जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन, ठीक है। और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते उसको हम एल्केलाइन नहीं बोलते, उसको हम सिंपल बेस बोलते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैं टर्म डिफाइन करा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे जो वर्ड यूज करूंगा बेस के लिए इस पूरे की पूरी 10th क्लास में, हम एल्केलाइनिटी या फिर एल्केलाइन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते नहीं, हम करेंगे ही 10th लेवल पे एल्केलिनिटी या एल्केलाइन वर्ड, क्यों, क्योंकि हम जितने भी बेस स्टडी करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वाटर में सोल्यूबल, ठीक है। नाउ यू विल चेक इंडिकेटर क्या हुआ, इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस हुए जो हमें इन्फॉर्म करेंगे किसके बारे में, कि ये बंदा एसिड है और ये बंदा क्या है, एल्केलाइन है। एल्केलाइन का मीनिंग ये बंदा क्या है, बेस, ठीक है। नाउ यू विल चेक द इंडिकेटर हाउ मैनी टाइप, ठीक है, आप राइट डाउन कीजिए, ठीक है। अब एक ग्राफ प्लॉट करेंगे कि जो हमारे सिलेबस में इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, उसकी हमारे सिलेबस में 3 कैटेगरी दी हुई है, उसको हम डिटेल में करेंगे। जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप दी हुई है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप जो दी हुई है हमारे पास वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ यू विल चेक, देखो
इंडिकेटर की थ्री टाइप्स दी हुई है हमारे सिलेबस में. फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड है सिंथेटिक और थर्ड है हमारे पास ऑल्फैक्ट्री. ठीक है, इसमें जरा ध्यान से देखना. नेचुरल इंडिकेटर क्या है, नाम से ही क्लियर है, ऐसे इंडिकेटर, ऐसे केमिकल जिसको हम कहाँ से लेते हैं, नेचर से. हम घर में नहीं बनाते, इंडस्ट्री में नहीं बनाते, ना बनाते हैं लैब में. हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट नेचर से लेते हैं, उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके उनको हम क्या करते हैं, अपने काम में लेके आते हैं. ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से गेटअप होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल. ठीक है, हम करेंगे इसके एग्जाम्पल डिस्कस, जरा चेक कीजिए. अब हमने क्या करना है, जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर में जो फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास, वो है हमारे पास फर्स्ट, इसको ए पार्ट डालते हैं हम. फर्स्ट है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन, फर्स्ट है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन. नाउ यू विल चेक. अब फर्स्ट हम स्टडी करेंगे लिटमस सॉल्यूशन. अब लिटमस सॉल्यूशन के जो पॉइंट तुम राइट करोगे वो होगा फर्स्ट कि हम लिटमस सॉल्यूशन को कहाँ से लेते हैं. ठीक है, जो हमारा लिटमस सॉल्यूशन होता है ये कहाँ से मिलता है तुम्हें, तो ये मिलता है हमें कहाँ से, लाइकन से. ठीक है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसी का ही पॉइंट है कि ये जो लिटमस सॉल्यूशन है हमें कहाँ से मिलता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन. ठीक है, ये हमें लाइकन से मिलता है. उसके बाद ये एक डाई होती है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मीनिंग एक डाई होती है, किस कलर की, पर्पल कलर की, पर्पल कलर डाई. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये राइट ऑन करोगे इसमें. उसके बाद हम सिर्फ इसमें यही बात करेंगे कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, कि लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है हमें, लाइकन से, और सेकंड कि ये किस कलर की डाई होती है, ये होती है हमारी पर्पल कलर की डाई. ये हो गया हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर. ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर मैं एक बार क्लियर कट कर देता हूँ कि इंडिकेटर के होते हैं तीन टाइप के. फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल, जो नेचर से मिलेगा. सेकंड है हमारे पास सिंथेटिक, सिंथेटिक का मीनिंग जो नेचर से नहीं मिलेगा, इसको हम अपने आप तैयार करेंगे लैबोरेटरी में. ठीक है, थ्रू द केमिकल्स. उसके बाद है हमारे पास ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर. ये इंडिकेटर कैसे हैं, ये इंडिकेटर स्मेल के होते हैं. ठीक है, स्मेल का मीनिंग जैसे प्याज की स्मेल होती है, ऑनियन की स्मेल होती है, ठीक है, वनीला की स्मेल होती है, ठीक है, और किसकी, लौंग की स्मेल होती है. ठीक है, उस स्मेल के बेसिस पे हम एकदम से बता देंगे कि ये चीज़ एसिड और ये चीज़ क्या है, बेस. वो जाता है इस कैटेगरी में, ऑल्फैक्ट्री इंडिकेटर में. अब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट टाइप, नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर का मैंने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया. फर्स्ट है हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन. एग्जाम में पूछा जाता है कि लिटमस सॉल्यूशन तुम कहाँ से लेते हो, चार ऑप्शन दे देगा वो. ठीक है, ट्यूमेरिक से, लाइकन से, रेड कैबेज से, ठीक है, या नन ऑफ दीज, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा. तो तुम टिक किस पे करके आओगे, लाइकन पे. ठीक है, उसके बाद पूछ लेगा कि लिटमस सॉल्यूशन किस कलर को होता है, तो हम आंसर देंगे वो किस कलर को होता है, पर्पल कलर डाई. ये कैसी होती है, पर्पल कलर डाई. उसके बाद सेकंड है जो हमारे सिलेबस में, नाउ यू विल राइट लिटमस सॉल्यूशन एंड राइट द टू पॉइंट एंड आफ्टर दिस सेकंड बी. ठीक है, जो बी टाइप है हमारे पास, बी बी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिटमस पेपर. ठीक है, जरा चेक कीजिए. अब ये जो लिटमस पेपर है ये दो टाइप का होता है. ये जो हमारा लिटमस पेपर होता है ना, ये कितने टाइप का होता है, फर्स्ट पॉइंट लिखना. लिटमस पेपर टू टाइप. ठीक है, ये दो टाइप का होता है. जो फर्स्ट लिटमस पेपर होता है वो होता है रेड. लिटमस पेपर भी अवेलेबल होता है रेड कलर, और सेकंड होता है ब्लू कलर. ठीक है, ब्लू कलर. ये दो कलर में पाया जाता है, दो कलर में मिलता है ये, एक तो रेड में और एक किस में, ब्लू में. ठीक है, अब होगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, इफ इन ए सॉल्यूशन, अगर हम कोई भी लिटमस पेपर किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो आंसर क्या दोगे, इफ इन ए सॉल्यूशन इफ इन ए सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर चेंज इनटू, ये साइन है चेंज का, चेंज इनटू किस में, ब्लू में, ब्लू कलर. अगर हमारा रेड लिटमस पेपर किस में कलर चेंज हो जाता है, ब्लू में. ठीक है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ब्लू में चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, बेसिक या एल्केलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, एल्केलाइन. ठीक है,
नाउ अगेन चेक कीजिए, लिटमस पेपर दो टाइप का होता है, रेड का और ब्लू का। उसने कहा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डाल देते हैं और वो चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू में, तो मैं बोलूंगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है, हमारा बेस, और बेस को हम क्या बोलते हैं, अल्केलाइन। ठीक है, क्लियर होता है पॉइंट। अब उसके बाद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट सेम रहेगा, दोबारा से चेक कीजिए, यू राइट डाउन, इफ इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रेड लिटमस, यहाँ पे रेड था, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्लू। अगर हमने क्या किया, ये ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया और ये ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो गया किसमें, रेड में, रेड कलर। ठीक है, देन दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड, अब हम उसको बेसिक नहीं बोलेंगे ना एल्केलाइन बोलेंगे, अब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक, एसिडिक सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नाउ यू विल राइट द थ्री पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, लिटमस पेपर दो टाइप के होंगे, एक होगा रेड और एक होगा हमारा क्या, ब्लू। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लिटमस पेपर रेड से चेंज हो जाता है ब्लू में, तब उसको बोलेंगे हम बेस या एल्केलाइन। अगर वो चेंज हो जाता है ब्लू से रेड में, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, लिटमस पेपर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, थर्ड इंडिकेटर इज नेचुरल का ही एग्जाम्पल है, थर्ड इंडिकेटर इज, नाउ यू विल राइट थर्ड इन थर्ड पॉइंट सी। ठीक है, सी भी दिया हुआ हमारे पास, रेड कैबेज। ठीक है, लाल गोभी बोलते हैं इसको, रेड कैबेज, कैबेज जूस। ठीक है, आप फर्स्ट पॉइंट क्या रेड ऑन करोगे कि ये कहां से मिलती है, तो इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड कैबेज, नाम से क्लियर है, लीव्स। ठीक है, ये लाल गोभी के पत्तों से हमें मिलता है। ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन, ये वाला जूस। ठीक है, रेड कैबेज। अब इसमें होगा क्या, जरा चेक कीजिए, इसमें होगा क्या हमारे पास, अगर वो रेड कलर, अगर रेड कलर, ठीक है, अगर हमारे पास रेड कलर चेंज हो जाता है किसमें, अगर हमारा रेड कलर चेंज हो जाता है किसमें, ठीक है, रेड कलर अगर चेंज, सपोज करो रेड कैबेज जूस है हमारे पास, अगर वो रेड का रेड ही रहा, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वो क्या होगा हमारा, एसिडिक। तब वो हमारा क्या होगा, एसिडिक। अगर हमने क्या किया, इसी रेड जूस को, मैं दोबारा से बताता हूँ, देखो मेरे पास दो केमिकल है, ठीक है, ए केमिकल एंड बी केमिकल, और मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा केमिकल किसके अंदर एसिड और किसके अंदर बेस है। ठीक है, तो हुआ क्या सीन कि मैंने रेड कैबेज जूस डाल के देखा, अगर मैंने इस सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका कलर रेड हो गया, रेड कैबेज जूस का कलर रेड ही होगा, और कलर डालने के बाद भी क्या रहा, रेड, तो मैं बोल दूंगा वो क्या है हमारा, एसिड। अगर कलर चेंज हो जाता है किसमें, ग्रीन में, अगर कलर चेंज हो जाता है ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर, तब मैं इसको क्या बोलूँगा, बेस, तब मैं इसको क्या बोलूँगा, बेस। ठीक है, ये इसकी इंफॉर्मेशन थी किसकी, रेड कैबेज जूस की। दो पॉइंट राइट डाउन करोगे इसमें, जनरली ये कहाँ से मिलता है, लीव से मिलता है रेड कैबेज के। दूसरा, अगर मैं किसी सॉल्यूशन के अंदर ये जूस डालता हूँ, अगर उस सॉल्यूशन का कलर रेड का रेड ही रहता है, मीन्स इस जूस का कलर रेड का रेड ही रहता है, या ओवरऑल जो सॉल्यूशन का कलर है वो रेड रहेगा, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, वो एसिडिक है। अगर कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर हो जाता है, तब वो क्या होगा, बेस, और बेस को दूसरा नाम क्या देंगे हम, एल्केलाइन। ठीक है, क्या नाम देंगे, एल्केलाइन। नाउ द नेक्स्ट इज हमारे पास टर्मेरिक जूस। ठीक है, डी लास्ट। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है नेचुरल इंडिकेटर में, नेक्स्ट है हमारे पास टर्मेरिक, हल्दी। ठीक है, नाम से क्लियर है, ये कहाँ से मिलेगी तुम्हें, हल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लोगे तुम, अगर कलर येलो रहता है, अगर कलर हो जाता है येलो, तब मैं बोलूँगा कि वो क्या है, एसिडिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल का मीनिंग ना वो एसिडिक ना वो बेस। ठीक है, यहाँ थोड़ा सस्पेंस क्रिएट होगा, ये बेस्ट मेथड नहीं है इतना। ठीक है, अगर येलो रहता है तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है, एसिडिक। अगर चेंज हो जाता है हमारा कौन सा, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, अगर कलर आ जाता है ये रेडिश ब्राउन, तब मैं नाम दे दूंगा उसको, वो क्या है मेरा, एल्केलाइन, एल्केलाइन, तब वो मेरा क्या है, एल्केलाइन। ठीक है, तो अब हमने किया क्या, हमने इंडिकेटर की टाइप को स्टडी किया वन बाय वन करके। फर्स्ट टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नेचुरल इंडिकेटर, जो ये मेरा नेचुरल इंडिकेटर है, इसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया। ठीक है, तीन मे बी फोर। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या किया, ए पार्ट किया हमने लिटमस सॉल्यूशन। नाउ यू विल अगेन चेक लिटमस सॉल्यूशन।
नाउ द बी पार्ट हमने क्या किया यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन के बाद हमने क्या लिटमस पेपर. नाउ द सी पार्ट हमने क्या किया रेड कैबेज जूस और उसके बाद डी पार्ट हमने क्या किया ठीक है वो किया हमने टर्मेरिक ठीक है टर्मेरिक जूस ठीक है हमने क्या किया इंडिकेटर की टाइप स्टडी की. फर्स्ट टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है. अब नाउ प्रोसीड टू द सिंथेटिक इंडिकेटर. अब सिंथेटिक इंडिकेटर नाम से ही क्लियर है ऐसे इंडिकेटर जो हमें कहाँ से मिलते हैं हमें कहीं से मिलेंगे नहीं बल्कि हमने इनको इंडस्ट्री में खुद तैयार करना पड़ेगा. इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर बोल सकते हैं मैन मेड इंडिकेटर ठीक है. अब ये कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में अब इनको जरा चेक कीजिए वन बाय वन करके. नाउ द फर्स्ट इंडिकेटर बिलोंग्स टू सिंथेटिक इंडिकेटर इज फर्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज ठीक है इसका ए पार्ट फर्स्ट है हमारे पास मिथाइल ऑरेंज ठीक है. अब ये क्या होता है ये मैन मेड होता है इंडस्ट्री में हम इसको खुद तैयार करते हैं केमिकल से ठीक है. अब इसमें क्या होगा हम कैसे चेक करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज की हेल्प से ये चीज एसिड है ये चीज क्या है बेस. तो इसके लिए जरा चेक कीजिए इसमें होता क्या है मिथाइल ऑरेंज में अगर किसी भी सॉल्यूशन इसको डालने पर अगर सॉल्यूशन का कलर क्या आ जाता है रेड तब मैं बोल दूंगा कि वो क्या है हमारा एसिडिक. जरा ध्यान से देखना मैंने मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन लिया मैंने देखो सपोज करो मेरे पास दोबारा से ये तीन बीकर है ठीक है इसमें कुछ केमिकल है मुझे नहीं पता कौन सा एसिड है कौन सा बेस. मैंने क्या किया इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज डाल दिया और इसका कलर क्यों हो गया रेड तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है एसिडिक ठीक है. अब बेस की बात कर लीजिए अब बेस में होगा क्या बेस में हमारे पास अगर कलर आ जाता है क्या येलो अगर कलर आ जाता है येलो ठीक है तब मैं बोलूंगा वो क्या है मेरा एल्केलाइन या बोल सकता हूँ वो मेरा क्या है बेस ठीक है. एल्केलाइन क्यों क्योंकि यहाँ पे वाटर का यूज़ होगा क्योंकि 10th लेवल पे हमेशा हर एक केमिकल में किसका यूज़ होगा वाटर का तो मैं एल्केलाइन बार बार वर्ड लगाऊंगा यहाँ पे एल्केलाइन और एल्केलाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा बेस को ठीक है. ये हो गए हमारे फर्स्ट ए टाइप मिथाइल ऑरेंज. अब दूसरा जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे पास फिनोफ्थलीन वो है हमारे पास फिनोफ्थलीन बी. नाउ यू विल चेक बी फिनो PH लीन ठीक है ALEIN फिनोफ्थलीन ठीक है बड़ा प्यारा नेम है फिनोफ्थलीन ठीक है. ये केमिस्ट्री लैब में तुम्हें तुम्हारे टीचर ठीक है केमिस्ट्री लैब में तुम्हें परफॉर्म कराएंगे ये ठीक है. यहाँ पे है हमारे पास फिनोफ्थलीन इंडिकेटर. अब इसमें क्या होगा इसमें दोबारा से वही सिस्टम देखेंगे कि हमारे पास तीन लगा लो चार लगा लो बिकर है उनमें केमिकल है हमने चेक करना है इसकी हेल्प से कि किसके अंदर एसिड है और किसके अंदर क्या है बेस. तो इसमें हम कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे फिनोफ्थलीन की ड्रॉप डाल के देखेंगे वन बाय वन करके ठीक है. जैसे ही हमने फिनोफ्थलीन की ड्रॉप इन बिकर में डाल ली अगर कलर हमारे पास आ जाता है कलरलेस कोई भी कलर नहीं आया कलरलेस तब मैं बोलूंगा कि वो सॉल्यूशन क्या है हमारा एसिडिक यहाँ पे कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा. अगर हमारा कलर आ जाता है पिंकिश रेड तब मैं उसको क्या बोल दूंगा वो है हमारा बेस ठीक है. इसकी इंफॉर्मेशन ये होगी ठीक है पिंकिश रेड में क्या होगा हमारा बेस. उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो चुका है सिंथेटिक इंडिकेटर. अब हम लास्ट करते हैं ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर. अब इसमें जरा देखिए इसमें जरा ध्यान से देखना ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर में होगा क्या. सबसे पहले तो इसी की डेफिनेशन राइट डाउन कराएंगे कि ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होती है. राइट डाउन द डेफिनेशन दीज सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर ठीक है डेफिनेशन ये रहेगी दीज सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर ऑर्डर होता है स्मेल ठीक है ऑर्डर होता है हमारे पास स्मेल चेंज इन एसिडिक बेसिक मीडियम चेंज इन एसिडिक बेसिक मीडियम ठीक है. देखो ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी ऑर्डर ऑर्डर का मतलब स्मेल ऑर्डर किसको बोलते हैं हम स्मेल को बोलते हैं ठीक है स्मेल जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं एसिड और बेस तो स्मेल एकदम से क्या हो जाएगी चेंज उस चीज को क्या बोलते हैं हम ओलफैक्ट्री इंडिकेटर. नाउ
इसमें पॉइंट राइट आउट पॉइंट करना, इसमें तीन पॉइंट बनेंगे हमारे पास, जरा देखना जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में, फर्स्ट पॉइंट इसी के अंडर फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है जरा ध्यान से देखना, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास अगर स्मेल, ठीक है, द स्मेल ऑफ ओनियन, देखो भाई ओनियन की स्मेल आ रही है, ठीक है, अब होगा यहां पे क्या, द स्मेल ऑफ ओनियन इज डैमिनिश, जो ओनियन की स्मेल है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल तरीके जो ओनियन की स्मेल है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है, गायब कब होगी, इन बेस, इन ए बेस, ठीक है, बट एज सच इन एसिड, एसिडिक, देखो भाई अगर प्याज की स्मेल गायब हो गई, मीन्स समझो इसका कि मेरे पास सपोज करो ये एक केमिकल है ओल्फैक्ट्री, ठीक है, मैंने इसमें एक ओल्फैक्ट्री केमिकल्स डाला हुआ है, इंडिकेटर डाला हुआ है, मैंने क्या किया इसमें एक केमिकल डाल दिया, ठीक है, कि देखो दोबारा से समझो कि मैंने एक बिकर लिया, बिकर के अंदर डाला हुआ है मैंने ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है, इसकी स्मेल आ रही है ओनियन की, मैंने इसके अंदर एक फर्दर एक केमिकल डाल दिया, उसके डालने से क्या हुआ, इस ओनियन की स्मेल क्यों गई, गायब, खत्म हो गई, डैमिनिश हो गई, तो मैं बोल दूंगा कि जो मैंने केमिकल डाला था वो कैसा है, बेसिक, बेस इन नेचर, उसका नेचर कैसा है, बेस, अगर वो ओनियन की स्मेल गायब नहीं हुई, एज इट इज आती रही, तब मैं बोलूंगा कि भाई मैंने जो केमिकल डाला था वो क्या है हमारा, एसिडिक, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी वे से है, हम ओनियन ना लेके हम यहाँ पे हम क्या लेंगे, वेनीला, हम यहाँ पे क्या लेंगे, वेनीला, वेनीला, तो राइट डाउन कीजिए द स्मेल, सेकंड पॉइंट द स्मेल ऑफ वेनीला, अगर वेनीला की स्मेल क्या हो जाए, डैमिनिश, ये डिसअपियर, डैमिनिश वर्ड लगाएंगे, डी आई डैमिनिश की स्पेलिंग डी आई एम आई एन आई एस एच, डैमिनिश, डैमिनिश का मीनिंग खत्म हो जाना, ठीक है, अगर हुआ क्या यहाँ पे जो स्मेल है वेनीला की क्या हो गई, डैमिनिश हो गई, डैमिनिश हो गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम दोबारा से क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारे पास, बेस, अगर एज सच रही, एज सच, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक, ठीक है। नाउ यू विल अगेन चेक, लास्ट है मेरे पास ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर, ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर में होगा क्या कि हम यहाँ पे स्मेल देखेंगे, ठीक है, अगर हमारे पास स्मेल रहती है किसकी, ओनियन की, तब हम बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, एसिडिक, अगर वो ओनियन की स्मेल हो जाती है गायब, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है हमारा बेस, सेम केस किसका लेंगे हम, वेनीला का, ठीक है, ये हो गया हमारा ओलोफैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। अब हमारे सारे के सारे इंडिकेटर फिनिश हो चुके हैं, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक टेबल दी है, ये टेबल लर्न करनी बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल सिंपल है, जरा चेक कीजिए इसमें होगा क्या, देखो यहाँ पे है हमारे पास इंडिकेटर, इंडिकेटर जो हमने अभी किया, यहाँ पे है हमारे पास एसिडिक, यहाँ पे है हमारे पास बेसिक बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, एल्के लाइन, ठीक है, थर्ड कॉलम ब्लैंक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए होगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट लेके चलते हैं, देखो फर्स्ट इंडिकेटर अगर मैं लिटमस पेपर देखो, लिटमस पेपर एसिडिक में अपना कलर क्या करेगा, रेड, अगर लिटमस पेपर का कलर आ जाता है रेड तो मैं बोलूँगा वो क्या है, एसिडिक, अगर आ जाता है ब्लू तो मैं क्या बोलूँगा वो क्या है हमारा, बेस। उसके बाद जो सेकेंड इंडिकेटर है हमारा वो है मिथाइल ऑरेंज, जो हमने कर लिया ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, अब मिथाइल ऑरेंज में जरा देखना, मिथाइल ऑरेंज में अब होगा क्या, अगर वो एसिडिक है तब उसका कलर क्या होगा, नाउ अगेन रेड, अगर बेस है तो वो हो जाएगा येलो, अगर बेस है वो हो जाएगा येलो। अब हमारे पास लास्ट है फिनोफ्थलीन, 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 अब फिनोफ्थलीन में क्या सीन होगा यहां पे, अगर हो जाता है कलरलेस, अब फिनोफ्थलीन होगा कलरलेस, ठीक है, और ये होगा हमारा पिंकिश रेड,
ठीक है। दोबारा से लास्ट टेबल देखिए, जो लास्ट टेबल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर तुम क्या करोगे, लिटमस पेपर लेके चलते हो, लिटमस पेपर जब तुम किसी भी सॉल्यूशन में डिप करते हो, अगर उसका कलर हो गया रेड तो बोलेंगे वो एसिड है, अगर हो गया ब्लू तो वो क्या है, बेस। सेम किसी भी केमिकल में जब तुम मिथाइल ऑरेंज डाल देते हो, अगर कलर हो गया रेड तो, अगर कलर रेड आया तो बोलेंगे हम एसिडिक, अगर कलर आया येलो तो बोलेंगे बेस। सेम पैटर्न से फिनोफ्थलीन, अगर सॉल्यूशन का रहा कलरलेस तब बोलेंगे हम एसिडिक, अगर सॉल्यूशन हो गया पिंकिस रेड तब बोलेंगे हम बेस। ठीक है, तो बनाइए इसके नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड को लेके चलेंगे, उसकी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिर करेंगे हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना साल्ट। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड मेक ए ब्यूटीफुल नोट्स।